टू अंडरस्टैंड द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को समझने के लिए, उसके की फीचर्स को समझने के लिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इंपॉर्टेंट की फीचर, दैट इज द सेपरेशन ऑफ द पावर। अब सेपरेशन मैंने जानते हो पृथक करना, अलग होना, सेपरेशन ऑफ द पावर यानी पावर अलग अलग हाथों में हो। यह क्यों इंपॉर्टेंट है आप सोचिए, अगर एक हाथ में पावर हो तो उसका क्या नुकसान होगा। हमने ये सुना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में आप या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आप जनता लोगों लोग वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अगर सारी पावर एक शख्स के हाथ में आ गई तो वो क्या करेगा। अगर मैं इसको सिंपल से समझाऊं कि अगर एक हाथ में पावर आ जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इरिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो जनता का ध्यान नहीं दे सकता है और उसे कोई डर नहीं होगा कि कोई मेरे से सवाल पूछेंगे। तो हमारे यहाँ या किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खास बात है कि सिर्फ इलेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि सेपरेशन ऑफ द पावर, और पावर एक हाथ में ना हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हाथ में हो। समझते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के हिसाब से या संविधान के हिसाब से देर इज अ थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, क्लास सिक्स से पता है ना आपको सरकार के तीन हिस्से होते हैं। क्या क्या है बेटा, पहला लेजिस्लेचर, क्या होता है लेजिस्लेचर, दोस हु मेक द लॉ, जो कानून बनाते हैं, जैसे भारत की संसद पार्लियामेंट या भारत के राज्यों की विधानसभाएं या लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा है द एग्जीक्यूटिव, बेटा कानून बनाने के बाद जो उसको लागू करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जैसे भारत के यूनियन के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट जो नॉमिनल होते हैं और उनकी मदद के लिए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर प्रधानमंत्री की हेड में, और इसी तरह से स्टेट में गवर्नर एंड उनकी मदद के लिए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर जो हेड होता है, तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट के तीन हिस्से हैं, जब हम कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट उसके तीन हिस्से हैं, पहला जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर जिनको आप चुनते हैं, उन्हीं में से जिनके पास मेजोरिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, वो कानूनों को लागू करते हैं। तीसरा है ज्यूडिशरी, बेटा ज्यूडिशरी क्या है, इंडियन कोर्ट सिस्टम, जज जो आपकी फंडामेंटल राइट को बचाते हैं, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट के केस में आप उनके पास जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये ज्यूडिशरी ये करती है कि जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशंस करती हैं ये दोनों बॉडीज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो ये उसको चेक करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द पावर में हम पहले ये पढ़ रहे हैं कि सरकार के तीन ऑर्गन हैं, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है। द लेजिस्लेचर रिफर टू अलग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बता दिया लेजिस्लेचर में आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एग्जीक्यूटिव में स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल है जो लॉ को लागू कराते हैं या गवर्नमेंट चलाते हैं, जुडिशरी में वो लोग हैं जो क्या करते हैं जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस ये है कोर्ट ऑफ द कंट्री, देश के कानून जो अदालतें हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर, हमने याद है आपको जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, एक बच्चा था क्लास में, वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा था मैम से गलत कंप्लेंट करते हुए। पावर अगर मिसयूज किया जाए तो कितना गलत हो सकता है, याद है आपको क्लास मॉनिटर के एग्जांपल से, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर। तो जैसे क्लास मॉनिटर क्लास में पावर का मिसयूज ना करे, उसी तरह से टीचर क्लास में पावर का मिसयूज ना करे, प्रिंसिपल स्कूल में पावर का मिसयूज ना करे, आप अपनी पावर का मिसयूज ना करें घर में किसी पे बुली करते हुए, इसी तरह से देश में एक भी बॉडी पावर का मिसयूज ना करे बाय एनी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। इसीलिए सरकार सॉरी भारत के संविधान या दुनिया के किसी भी संविधान में यह साफ साफ बताया होता है कि आपकी क्या पावर है, ठीक है, और आप पावर को कैसे एक्सरसाइज करोगे। जैसे भारत में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट है। लिमिटेड क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, जब आपने लॉ बनाया, किसी भी बने हुए लॉ को रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी के पास है। तो देखा, अल्टीमेट पावर नहीं है पार्लियामेंट, हम कह रहे हैं सुप्रीम है, लेकिन उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शन है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो कोई भी लॉ। और दूसरा, उसको जुडिशरी चेक करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट पे अगर पार्लियामेंट ने ये कह दिया, पार्लियामेंट में मेजोरिटी से ये पास हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं उन पे विश्वास नहीं है, तो उसी दिन सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, यानी कंट्रोल है पार्लियामेंट के पास। राइट है कि जब पार्लियामेंट के पास ये राइट है, जब एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहा हो तो उससे सवाल पूछे जाए, उसको जवाब देना पड़ेगा संसद में, और अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रही है तो उसके काम को जुडिशरी चेक कर सकती है, उसके काम को रोक सकती है। तो यहाँ पे भी एक चेक एंड बैलेंस है। इसी तरह से जुडिशरी का भी कुछ कुछ ना कुछ, जुडिशरी के पास कुछ ज़्यादा पावर है जिसकी बार बार आलोचना की जाती है, जरा उस तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कि जुडिशरी भी एंड ऑफ द डे उसके काम पे रूल रेगुलेशन बनाने पे पार्लियामेंट के पास अधिकार है। तो हमने क्या देखा, जो गवर्नमेंट के तीनों अलग अलग ऑर्गन हैं, क्या क्या नाम था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन तीनों के अलग अलग काम है और सब में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। क्या लिखा है, थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक ऑन अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है एंड दिस इंश्योर और यह सुनिश्चित करता है द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल थ्री, इन तीनों के बीच में क्या हो, बैलेंस ऑफ द पावर हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, देश में नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, लोगों ने बड़ी आलोचना करी, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का,
कोई बंदा इसको लेके कोर्ट में चला गया, ठीक है, सरकार का डिसीजन सुप्रीम नहीं होता है करके, तो कोर्ट ने कुछ भी व्यवस्था दी, कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन हमारा काम नहीं है, और इस पर संसद में भी चर्चा हुई। तो हम ये देखते हैं बाद में, हम ये देखते हैं कि कोई भी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं सही गलत जजमेंटल नहीं हूँ यहाँ पे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो चेक एंड बैलेंस की एक व्यवस्था है, जिससे कोई भी एक ऑर्गन अपने आप को पावरफुल ना समझे। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि सेपरेशन ऑफ द पावर एक इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में, और इंडिया में भी। यहाँ पे एक शब्द आया है बार बार, उसकी सप्लीमेंट्री लिखा गया है, वो है स्टेट। जब हम स्टेट कहते हैं ना, वैसे तो आपने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, उत्तराखंड की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में बार बार जब पॉलिटिकल साइंस में होगा। जैसे ना गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के तीन हिस्से हैं, आपने देखा ना, एग्जीक्यूटिव सॉरी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, सरकार चुनेगी जाएगी, अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो हमेशा रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब एक ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारी हैं, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, एक सिस्टम से काम करने का, सरकारें आएंगी जाएंगी। जैसे आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके गांव में स्कीम चली है जिसका नाम है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने एक तरह से संसद में जरा सा मजाक सा उड़ाया था इसका, और लेकिन इसको कौन लेके आया था, मनमोहन जी 2005 में। और लेकिन आज जब ये नोटबंदी सॉरी लॉकडाउन और ये पूरा कोरोना का संकट है, तो ये नरेगा बहुत मदद कर रहा है गाँवों की। तो एक सरकार ने इंट्रोड्यूस किया तो दूसरी सरकार ने ख़त्म नहीं किया, दूसरी सरकार ने उसको अलग तरह से स्ट्रेंथन किया। तो इसको बोलते हैं स्टेट, यानी कि कुछ एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने आप ऑपरेट करते हैं। तो हमें स्टेट को ऐसे समझना है, तो स्टेट का मतलब है द स्टेट रिफर मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इन द, ठीक है। तो स्टेट को समझने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप राज्य को समझें, स्टेट का मतलब है पूरा वो स्टेट स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं इंडियन स्टेट कभी कभी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, ये हमने बता दिया डिफरेंट बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो आज का इंपॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट था वो था सेपरेशन ऑफ द पावर। किसी भी डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल जो देश होता है, या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कई इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो है सेपरेशन ऑफ द पावर, कि जो सरकार के तीन अलग अलग ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनमें क्या है, उनमें एक प्रिंसिपल्स है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि सबका अलग अलग काम है, अपना अलग अलग काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम चेक एंड बैलेंस का अरेंजमेंट होगा, एक के काम को दूसरा चेक कर सकता है, लेकिन कोई अपने काम का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके बारे में आगे हम जुडिशरी में देखेंगे, और भी अलग अलग डिबेट्स हैं जिसको हम आगे के चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में देख रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ द पावर क्या होती है। थैंक यू जी।